फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद पैशन। मैं सामली, आज की रेसिपी है एक करी या अंडे की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले चाहिए अंडा। हमने 3 अंडे लिए हैं, इन्हें उबाल कर छील लिया है। पैकेट का मीट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा और काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च, 2 तेज पत्ता, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। हमने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज लेके काट लिया है। हरे मटर 100 से 150 ग्राम और हरा धनिया। इन सब चीज़ों से हम एक करी बनाएंगे। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालने हैं अंडों को फ्राई करने के लिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम अंडों को डालेंगे। डालने से पहले हम अंडों में थोड़ा सा चीरा लगा लेंगे। जो अंडे का पतला वाला हिस्सा होता है उसी में चीरा लगाना है, ताकि अंडे छटके नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको पलट पलट के फ्राई करेंगे चारों तरफ से, इस तरह से। जिधर से फ्राई नहीं हुआ है उधर हम पलट लेंगे। ये देखिए अंडों में चीरा लगा हुआ है। अभी अंडे तल चुके हैं, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम जीरा डालेंगे खड़ा, फिर तेज पत्ता डालेंगे। उसके बाद अब इसमें हम प्याज को डाल लेंगे। मैं तेज पत्ता पहले डालना भूल गई थी, इसलिए अब डाल रही हूँ। प्याज को तेल में डाल देंगे, उसके बाद फिर इसको हम चला लेंगे। फिर उसको हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट बाद प्याज जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होगा कि प्याज अच्छी तरीके से गल जाएगा और ग्रेवी जो है गाढ़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। नमक डाल के फिर प्याज को हम चला लेंगे, फिर इसको ढक के पकाएंगे। जब प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब अब इसमें हम हरे मटर को भी डाल देंगे, ताकि साथ में ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए और अच्छे तरीके से पक जाए। इसको अच्छी तरह से हम मटर को मिला लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। हमने एक टमाटर डाला है। फिर जो हमने जो हरी मिर्च ली थी उसको बीच से इस तरह से काट के डाल देंगे। उसके बाद मिला के फिर ढक के 1 से 2 मिनट पका लेंगे, ताकि टमाटर गल जाए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डाल के हम इसको 1 मिनट पकाना है। 1 मिनट बाद ही हम इसमें और मसालों को डालेंगे। इस तरह से उसको चला लेंगे अच्छी तरीके से।
अब 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें मसालों को डालेंगे। पहले मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, फिर लाल मिर्च पाउडर और धनिया, जीरा, काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। और इसमें लगभग 2 चम्मच मैं मीट मसाला पाउडर यूज कर रही हूँ, पैकेट वाला। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के मसालों को मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और पानी डाला ताकि मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब इसको हम थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से मसालों में अच्छी खुशबू आ जाती है। इसको खोल के हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले नीचे कढ़ाई में जले नहीं। मसालों को अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है। प्याज को थोड़ा सा हम बीच में मसलते हुए मसालों को चलाएंगे। ये देखिए मसाले लगभग पक चुके हैं क्योंकि इसमें से तेल निकलने लगा है। इसको मैं चला रही हूँ क्योंकि प्याज थोड़े से मेरे खड़े लग रहे हैं इसलिए मैं इनको मसल रही हूँ हल्का सा। अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। मैंने लगभग बड़े गिलास से आधे गिलास पानी डाला है। आपको जितनी ग्रेवी खानी हो, जैसी खानी हो, उतना पानी यूज करिए। अब इसमें अंडों को डाल देंगे। उसके बाद ऊपर से गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये हमने खड़े गरम मसालों को घर पे ही कूट के पाउडर बनाया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालते समय यह ध्यान रखना है कि प्याज में भी थोड़ा सा पहले से नमक पड़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही हम दोबारा नमक डालेंगे। एट लास्ट अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डाल के हम इसको ढक के इसको बॉईल करेंगे 3 से 4 मिनट तक। अब इसको हम ढक देंगे। तीन चार मिनट बाद हमने ये ढक्कन खोला है। देखिए एक करी एकदम बन के तैयार है। अब इसको हम प्लेटिंग कर लेंगे। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ये मटर वाली एग करी बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको एक बार ट्राई करें। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसको हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।